कमल हासन ट्वीट करुछंती मुख्यमंत्री सचिव पांड्यान सपक्ष में। कमल हासन किए जी कही हिंदू आतंकवादी, भारत प्रथम आतंकवादी हिंदू थे ये कमल हासन कही। से कमल हासन आज बीके पांड्यान ट्वीट करुछंती। उदयनाथ स्टालिन जी कहले जे सनातन धर्म होची डेंगू आ मलेरिया, से उदयनाथ स्टालिन को ओडिशा को किए आनी थिला, ओडिशार को मंत्री आनी थिले, ओडिशार को विधायक माने आनी थिले, आनी थिले बीके पांड्यान बाबू। ए उदयनाथ स्टालिन को जो रिमार्क आउ तांको जो माइंड सेट ओडिशा को सी आसी थिले, एतरु आपण माने अनुमान करंतु ओडिशा रे कोन चालुची। ए जो नवीन बाबू आ पांड्यान बाबू को जो जुगलबंदी जाइथिले पोप को, एटा ओडिशा लोकों पैसा खर्च होइतला, एतरे ओडिशा रे कोन लाभ होला। जो ओडिशा रे जो गणतंत्र रो अगणतांत्रिक हत्या चालीची, ये अगणतांत्रिक हत्यार मुख्यमंत्री होचंती निजे डायरेक्टर, निजे प्रोड्यूसर, निजे दर्शक मध्य। सर पिंधिले बीजेपी मुखपात्र अनिल विश्वाल राज्य मुखिया विरोध में आणले संगीन अभियोग। अनिल कहिले अगणतांत्रिक शासन चलाइबारे राज्य मुखिया माहिर दस्तावेज रखी सरकार को धोईदेले अनिल। कमल हासन उदयनाथ स्टालिन को उदाहरण दे बरसिले अनिल। सांबादिक सम्मेलन करी सरकार पोल खोलीदेले बीजेपी मुखपात्र अनिल विश्वाल आउ कहिले राज्य में चली अगणतांत्रिक शासन, पल्ली सभा और ग्राम सभा को दिया जाउनी गुरुत्व, मनमानी किसी अफिसर ओडिशा विरोध में करुछंती षड्यंत्र, लोकों विकास कथा कही लोकों मध्य भाईचारा नष्ट करुछंती सरकार, ओडिशा विरोध में एक लंबा षड्यंत्र चली कथा कहिछंती अनिल, आउ जहार नेतृत्व खोद राज्य मुखिया नेउथबार आनिछंती संगीन अभियोग। पूरा आम ओडिशा नवीन ओडिशा को लेकर जमी भात हांडी गोटे चिपिला भाई घटना, मयूरभंजर बेतनटी ब्लक्र बैसींगा जीपर घटना, ये घटना जना पड़ी जे ओडिशा विरोध में गोटे लंबा षड्यंत्र चली, अशांति करने ओडिशा रे रोहिंग्या मानकु थैथान करने, ओडिशा रे अवैध बंगलादेशी अनुप्रवेशकारी मानकु थैथान करने, ये राज्य सरकार चक्रांत करिछंती, सरकारी पैसा रे थैथान करिवार चक्रांत करिछंती। मयूरभंज बेतनटी ब्लक्र बैसींगा ग्राम जो जीपी जो डाही भाई लोक मान अभियोग एटा स्पष्ट प्रमाणित करुछ। बीजेडी कार्यकर्ता उपरे सीधा सीधा हमला करिछि बीजेपी, आउ कहिछंती दक्ष प्रशासकंकर कोन रहिछि संख्या। बीजेडी जहाँ को दक्ष प्रशासक कहुछंती से बाबू दुर्नीति रे बड़ रेकर्ड करिथिबा कथा कहिछंती अनिल। बिजु जनता दल पांड्यान बाबू कहुछि दक्ष प्रशासक, आमे भी जानिबा पई चाहुछि दक्ष प्रशासक रो अर्थ कोन। ए 23 वर्षर पूरा प्रशासनिक क्यारिअर रे कौन दक्षता देखेछंती, की दक्ष कौनसी काम को नहीं गोटे कहतु जे आमे तांकर दक्ष प्रशासक बोली मान्यता को मानवा, से भली किछि करि नहांती, केवल दुर्नीतिर अभियोग, केवल आनार्की छड़ा ये 23 वर्ष भितर आउ कौन घटी। शकुन भी जड़े दक्ष प्रशासक थिला, शासन गादी करने पूरा भारत बर्षर युद्ध लगे देता, मिर्जाफर भी गोटे दक्ष प्रशासक थिला, ये सही दक्ष प्रशासक कि सही कैटेगोरी दक्ष प्रशासक कि एक आमे जानिबा पई चाहुछु। राज्य सरकार रे चलीथिबा दुर्नीतिर पोल खोलीछि बीजेपी, आउ पंचायतीराज विभाग, ग्राम्य उन्नयन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, विद्यालय गणशिक्षा विभाग, जलसेचन विभाग, अर्थ और पूर्त परि विभाग को सीधा सीधा टार्गेट करिछि बीजेपी। ओडिशा रे जो जो विभाग रे अधिक अर्थ खर्च हुए बा जनकल्याणकर काम हुए, गरीब कल्याण योजना काम हुए, से सबू विभाग रो मालिक सासी अण ओडिया सचिव माने, पंचायतराज डिपार्टमेंट कहतु, रूराल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट कहतु, हेल्थ डिपार्टमेंट कहतु, स्कूल एजुकेशन कहतु, इरीगेशन कहतु, फाइनान्स कहतु, वर्क कहतु, ये डिपार्टमेंट गुड़िक हूँ सबुठ अधिक खर्च होता डिपार्टमेंट। ए बजेट्रे अधिक बजेट आलोकेशन थाए, ये बजेट्रे अधिक अर्थ थाए लोक मई विभाग गुड़िकर दायित्व आज अण ओडिया सचिव हाथ में, एवं सरकार जो विभाग गुड़िक अधिक आय करे, स्टील एंड माइंस, एक्साइज, ओएमसी, इडको, ये जो डिपार्टमेंट गुड़िक कहली इंडस्ट्री, ए सबू मध्य अण ओडिया मान हाथ में, ये गोटे अण ओडिया जो कोटोरी चली, ये सबू गुरुत्वपूर्ण विभाग को माड़ बस, मुख्यमंत्री कार्यालय को माड़ बस, पंचायत टू नहीं ब्लॉक रे पूरा अगणतांत्रिक व्यवस्था को थैथान करिवार ये गोटे पूरा प्रक्रिया चली, जहाँ विरोध में भारतीय जनता पार्टी 14-18 जो ब्लॉक घेरव कर, से ब्लॉक घेरव रे यहाँ को मुख्य प्रसंग कर। ओडिशावासी को धोखा दिया जाइछि, सेमानंक विश्वास रे विष मिसा जाइछि, आउ ओडिशा रे खोद मुखिया एक छत्रवाद चलाइछंती, आउ राज्य सरकारंक एपरि एक छत्रवाद विरोध रे
ଆସନ୍ତା 14 ତାରିଖରୁ 18 ତାରିଖ ଯାଏ ହେବାକୁ ଥିବା ବ୍ଲକ ଘେରାଉରେ ଦଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିବ ବୋଲି କହିଛି ବିଜେପି। ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଟର୍ମ ଜାଣିଥିବେ, ହ୍ୱାଇଟ୍ ଆନାର୍କିଷ୍ଟ। ଯେତେବେଳେ ପୋଷ୍ଟ କଲୋନିଆଲିଜିମ୍ ସରିଲା, ଔପନିବେଶିକତାବାଦର ଲୋପ ହେଲା, ଗୋଟେ ନୂଆ ଆନାର୍କିଜିମ୍ ବାହାରିଲା, ତାକୁ କୁହାଗଲା ହ୍ୱାଇଟ୍ ଆନାର୍କିଜିମ୍। ଧଳା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥିବା ଲୋକମାନେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଆନାର୍କିଜିମ୍ କଲେ, ଏକଛତ୍ରବାଦ କଲେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ନବୀନ ବାବୁ ଆଉ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୁଗଳବନ୍ଦୀ, ଏଇ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଆନାର୍କିଜିମ୍ ଚଲେଇଛନ୍ତି। ଯିଏ ମୁହଁ ଖୋଲିବ ତାକୁ ଜେଲ୍ରେ ପୁରେଇବେ, ଆର୍ଟିଆଇ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟକୁ ଜେଲ୍ରେ ପୁରେଇବେ, ସାମ୍ବାଦିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂସ୍ଥା ଉପରେ ରେଡ଼୍ ହେବ, ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ରାତି ଅଧିଆ ଆରେଷ୍ଟ କରେଇବେ, ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କ'ଣ ସରକାରକୁ ବିରୋଧ କଲା ତାକୁ ଜେଲ୍ରେ ପୁରେଇଦେବେ। ଏସବୁ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଆନାର୍କିଜିମ୍, ଯେଉଁ ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ଭାଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କହିଥିଲେ, ଆମ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କହିଥିଲେ, ଏସବୁ ହେଉଛି ଏଇ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଆନାର୍କିଷ୍ଟର କଥା। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବିଜେପିର ସିଧା ସିଧା ହମଲା, ଆଉ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଚାଲିଥିବା ଭିତିରି କଥାକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ବିଜେପି ଟାର୍ଗେଟରେ ଏବେ ଶାସକ ବିଜେଡି। ବିଜେପି ଟାର୍ଗେଟରେ ଏବେ ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ଯୋଜନା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।